ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, बाबा, मामा, टॉनी, पिंकी। हम सब बहुत खुश रहते थे। ईद आई, हमने बाबा से जिद करी, बाबा बकरा कब लाएंगे। बाबा ऑफिस जा रहे थे, फिर बाबा ने कहा देखूंगा। मामा ने पापा को बास लगाई, शाम तक बकरा ले आए, ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। बाबा शाम में आए, फिर बाबा बकरा लेने जा रहे थे। टॉनी भी बाबा के पीछे लग गया। मैंने चीख मारी, बाबा मैं भी जाऊंगा। बाबा ने मुझे लेके बाबा बकरा मंडी ले आए। वहाँ हमें एक गाय पसंद आई और हम उस गाय को खरीद कर ले आए घर पे। मैंने उस गाय की खूब खिदमत की। ईद से एक दिन पहले मैंने गाय के साथ खूब वक्त गुजारा, उसका बहुत ख्याल किया। अगले दिन बाबा गाय को लेके कसाई के पास चले गए। कसाई ने उस गाय की पोटी पोटी बना दी। फिर क्या था, बाबा गोश्त लेके आए, मामा ने गोश्त चूल्हे पे चढ़ा दिया, खाना बनाया। हमें, मुझे और टॉनी को गाय बहुत याद आ रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम सो गए। जब मैं सो के उठे, कुछ दिन बाद हमने महसूस किया हमारा वजन तो तेजी से बढ़ रहा है। ये कहीं उस गाय के गोश्त खाने का नतीजा तो नहीं है जो हमने भर भर के गोश्त खाया। बाबा, मामा, मेरा और टॉनी का वजन बहुत बढ़ गया था। पापा ने कहा शाम में सब वॉक के लिए चलेंगे और ऐसे भाग भाग के वॉक करेंगे ताकि हमारा वजन जल्दी कम हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।